हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लांट लवर। मैं अर्चना गुप्ता फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा वीडियो। तो आप देख रहे हैं, ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो मैं इसे नर्सरी से लाकर लगाई हूँ 4-5 महीने पहले। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा ग्रो कर गया है और इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और बहुत सारे कलियाँ भी लगी हुई हैं। मैं आपको दिख रहा होगा कि इसमें ज़्यादा फूल नहीं है, पर मैं अभी इसे आज ही सुबह तोड़ ली हूँ बहुत सारा। मैरीगोल्ड का पूजा पाठ के लिए हम अक्सर फूलों की माला का उपयोग करते हैं, साथ ही इसका इस्तेमाल त्योहारों में घर की सजावट में भी करते हैं। और अगर आप अपने गार्डन में इसे लगा लो तो गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। ये येल्लो, ऑरेंज और इन्हीं रंगों के अलग अलग शेड वाले में गेंदे का फूल पाया जाता है। यह एक ऐसा फूल है जो पहले सिर्फ मैक्सिको में ही उगाया जाता था, आज ये दुनिया के ज़्यादा देशों में पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इसकी खेती अभी भारत में होती है। इस फूल को बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप लोग को पता है, किसी भी प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिट्टी। तो मैं अब आपको मिट्टी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे एक सिंपल सी मिट्टी में लगाई हूँ और इसमें हर महीने मैं खाद डालती हूँ और समय समय पर इसको गुड़ाई भी कर देती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी ऊपर का सूख जाता है तो उसे पानी अंदर तक जड़ में नहीं जा पाएगा। तो आप इसे समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें। और मैं इसमें सुबह शाम 2 बार पानी डालती हूँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी धूप है, तो आप इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ से इसे सीधे धूप मिले, ताकि ये अच्छा से ग्रो करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट के लिए खाद भी ज़रूरी होता है, तो मैं इसमें हर 15 दिन में, महीने दिन में गोबर का खाद डालती हूँ। कभी कभी घर का भी चावल या दाल का पानी डाल देती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें समय ये ख़राब हो जाता है, पत्तियाँ सूख जाती हैं या कली। तो आप समय समय पे सूखे हुए कलियों को और पत्तों को हटा दें तो इससे अच्छा रहेगा प्लांट। और आप देख रहे हैं मेरा प्लांट अब सूखने वाला है। तो ये हर 4-5 महीने मेरा प्लांट सूख जाता है, फिर मैं दोबारा लाकर नर्सरी से लगाती हूँ। तो इस बार मैं कटिंग से ट्राई करने वाली हूँ, तो आप लोगों को मैं उसका भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बी सेफ एंड टिल देन, बाय बाय।